100 साल दे असई में पे खैराबाद पड़े पूरे 100 साल देगी विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबाइली इलाका जात फाटा से मुल्हका इन इलाकों में रहने वाले लोग नस्लों से इंतहाई गुर्बत और लाकानूनियत के मसाइब में जकड़े हुए हैं लोग पड़े यहां पर ये थी कि जरा कोई पड़े करेंदा पियाई पैसे नहीं भर सकता माल खर्चा नहीं भर सकता वो पिया तो छोड़ा रुपए को नहीं दे सकता माल मर गए से दुकानदार कर्जे ना दे दे इतने ओके थे क्या जो कुछ देर से जान को कश करूँ के करूँ यू था कोई मिल को नहीं कारोबार को नहीं मजदूरी नहीं लगती छोटा होना थे लोग गालियाँ करेंगे अम्मी अबू आज गुमल जाम आए आंदा पे गुमल जाम आंदा पे भाई गुमल जाम आवे जी बच्चा थे कोई मोटरसाइकिल या साइकिल दिला दे कि असा ओ अम्मी अबू फौत थी गए असा गुमल जाम नहीं दिखा अहमद के खानदान का ख्वाब बिल आखिर सितंबर 2015 में उस वक्त हकीकत बन गया जब गोमल जाम दरिया का पानी पहली बार नहरों में छोड़ा गया। 139 मिलियन डॉलर्स की अमरीकी मुआवनत के कसीरुल मकासिद गोमल जाम प्रोजेक्ट की बदौलत गोमल जाम डैम की तामीर आपाशी के निजाम की तश्कील और इर्द गिर्द की जरई जमीनों को काबिल काश्त बनाने और उन्हें तरक्की देने में मदद मिली। 2013 में मुकम्मल होने वाले इस डैम की वजह से पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में 17 मेगावाट इजाफी बिजली शामिल हुई जिससे किसी हद तक बिजली की तलब और रसद का फर्क कम करने में मदद मिली। अमेरिका के तआवुन से तैयार होने वाले इस डैम और इसके नतीजे में बनने वाले आपाशी के मंसूबे ने डैम से मुल्हका इलाकों में बसने वाले आवाम पर गहरा और वाज़े असर डाला। अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक्वामी तरक्की USAID की तरक्याती मुआविनत ने टांग और डेरा इस्माइल खान के लोगों की जिंदगियों में एक रोशन और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद जगा दी है। आपाशी के एक मजबूत निजाम की तश्कील के लिए 71 मिलियन डॉलर से जायद और गोमल जाम कमांड एरिया डेवलपमेंट कंपोनेंट के तहत जरई तरक्याती सरगर्मियों के लिए 22 मिलियन डॉलर से जायद मालियत की अमरीकी मुआवनत से ये इनकलाबी प्रोजेक्ट सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इन दो तरक्की पजीर अजला में सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने और आपाशी के लिए सारा साल पानी की फराहमी मुमकिन बनाने में मुआवन होगा। इस प्रोजेक्ट से 1,91,300 एकड़ जो कि टांग और डीआई खान तहसील कुलाची का एरिया जो बैरन लैंड है वो इरीगेट होगा। इस प्रोजेक्ट में 264 किलोमीटर कंक्रीट लाइंड कैनाल्स का नेटवर्क बिछा हुआ है। इसके साथ साथ 186 किलोमीटर फ्लड ड्रेनेज वर्क्स है। 42 किलोमीटर फ्लड इम्बैकमेंट बैंक बना हुआ है। खेत की सतह से हम आहंग पानी के खालों की तामीर और जमीन को दुरुस्त तरीके से हमवार करने से आपाशी के लिए दस्तियाब पानी का ज्यादा पायदार और मौसर इस्तेमाल किया जा सकेगा। USAID और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बाहमी तावुन से चलने वाले इस प्रोजेक्ट से डेरा इस्माइल खान और टांग के 30,000 से जायद खानदानों की आमदनी में इजाफा होगा। गोमल जाम के इलाके के इन बासियों को सिर्फ पानी नहीं मिला बल्कि उन्होंने हासिल कर ली है एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद। जब ये पानी हमने देख लिया ना बस हम ये समझ गए कि हमारी जिंदगी बदल गई। हम पठान लोग हैं जो हमारे साथ एहसान करता है फिर तो ये तो बहुत गलत बात है कि हम उसका शुक्रिया अदा न करें।